हाय फ्रेंड्स, मैं शाइन सैयद, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मटर निहारी। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, लेकिन मैंने इसको रेडीमेड निहारी मसाले के साथ बनाया है। मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी, लेकिन मुझे ये रेसिपी बहुत पसंद आई और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए निहारी की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मटन लिया था और इसमें मैंने नली के पीसेस ज़्यादा इंक्लूड किए थे, और अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज लिया है मैंने। यहाँ पे मैं हकीम का निहारी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 1 किलो मटन के लिए सफिशिएंट है। मैंने आधा किलो यूज़ किया है मटन, तो मैं आधा ही पैकेट ऐड करूँगी। और यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स भी दिए हुए हैं एक साइड में, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। मैं घर में भी निहारी मसाला बनाने के लिए ट्राई ज़रूर करूँगी और उसकी रेसिपी जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी, तो इसके लिए आज माफ़ी चाहती हूँ। आप कोई भी रेडीमेड पैकेट यूज़ करके इस प्रोसीजर से इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में हमने ऑयल ऐड कर लेना है, आपकी मर्ज़ी है चाहे तो घी ऐड कर लें। और 2 मीडियम प्याज को स्लाइस करके मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। बस इसको हमने गुलाबी कर लेना है, इसको ब्राउन नहीं करेंगे। हल्का सा जैसे इसका कलर चेंज हो जाए तो हमने इसमें मटन ऐड कर देना है। आधा किलो मटन को मैंने वॉश करके ऐड कर लिया है और 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। मिला लेंगे इसे, और अब हमने इसमें निहारी मसाला ऐड करना है। मैंने आधा पैकेट लिया था क्योंकि मैंने आधा किलो यूज़ किया है और उसका आधा मैंने ऐड किया है, आधा हमने तड़के में ऐड कर लेना है। इसको थोड़ा सा हम भून लेते हैं, गैस का फ्लेम लो मीडियम कर लें और मटन के साथ मसालों को अच्छे से भून लें, इससे टेस्ट एनहांस होकर ही आता है। तो बस कुछ देर भूनने के बाद आप देख सकते हैं मटन ने कितना सारा ऑयल रिलीज़ कर दिया है और ये भून गया है। तो इसमें मैंने आधा किलो के लिए आधा लीटर ही पानी ऐड किया था। बस सब चीज़ों को मिक्स कर लें अच्छे से। प्रेशर कुकर का लिड कवर कर लेंगे, 1 विसल हाई हीट पे लगा लेना है और सिमर पे 10 से 12 मिनट या 15 मिनट जितना आपका मटन गलने के लिए टाइम ले, अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से उसको गला लें। और फिर ठंडा होने के बाद मैंने ये प्रेशर कुकर खोल दिया है, ऑयल ऊपर आ गया है और मटन को भी चेक कर लेते हैं। तो मटन यहाँ पर अच्छी तरह से गल गया था, बिल्कुल मुलायम और टेंडर सा हो गया था, ये देखिए। तो बस इसको अभी हम सिमर पे छोड़ देते हैं। और यहाँ पे मैंने एक पेस्ट बना लिया है, तो 1 टेबलस्पून गेहूं का आटा और इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, बस इसमें कोई गाँठे नहीं रहे, इससे थिकनिंग बहुत अच्छी मिलेगी ग्रेवी में। और उसके साथ गार्निशिंग के लिए कुछ जूलियंस लिए हैं जिंजर के, एक छोटा सा प्याज लिया है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लेमन इस्तेमाल किया है, नींबू। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ये पेस्ट ऐड कर दिया है गेहूँ के आटे का जो मैंने बनाया था, और इसको डालते के साथ आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर जाते ही लम्ब्स ना फॉर्म हो, क्योंकि सालन बहुत गर्म है इस वक्त। मिक्स कर लिया है और अब हमने तड़का तैयार कर लेना है। तड़के के लिए अगेन मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो घी ऐड कर सकते हैं इसमें। और सबसे पहले प्याज ऐड कर लेते हैं। प्याज को हमने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस जब इस कलर पर आ जाए तो जो निहारी मसाला हमने आधा बचा लिया था वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो बस मसाला ऐड करके आपने इसको बस गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है ताकि मसाले जले नहीं, और इसको कुछ सेकेंड्स के लिए मिक्स कर ले ताकि इसका फ्लेवर उतर आए ऑयल में। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया है। अगर आप तेज़ ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा मिर्ची पाउडर आप ऐड कर सकते हैं। निहारी मसाला पैकेट में नमक मिर्च ऐड किया हुआ ही आता है, तो मैंने नमक मिर्च धनिया पाउडर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था, सिर्फ ये मसाले से ही मैंने इसको तैयार किया है। मैंने तड़के को ऐड कर लिया है सालन में, और इसको लो फ्लेम पर आप 10 से 15 मिनट के लिए सिमर पर छोड़ दें या फिर आप एक विसल लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक विसल लगा के गैस ऑफ कर लिया था और अभी ये रेडी हो गया है। तो मैंने प्रेशर कुकर खोल लिया है, आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से ऊपर सरफेस आउट हो गया है और नहारी बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। जो मैंने गार्निशिंग के लिए चीज़ें ली थी जैसे कि जिंजर जूलियंस, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, ये सब मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। बहुत ही लजीज लग रहा है, तो सर्व कर लेते हैं इसे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप कोई भी निहारी मसाला का पैकेट यूज़ कर सकते हैं। और रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर, बाय।